इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गंगयान की ओर पहला कदम बढ़ाया। सुबह 10 बजे इसरो ने मिशन गंगयान टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस टेस्ट फ्लाइट को दूसरे प्रयास पे भेजा गया। पहले से निर्धारित लॉन्च को 5 सेकंड पहले रोक दिया गया था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा, मुझे TVD-1 की सफल उपलब्धि की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। गंगयान मिशन में 90 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। गंगयान मिशन का अंतिम चरण तब खत्म होगा जब एक अंतरिक्ष यान में 3 इंसान को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि यह 2025 तक संभव है। गंगयान में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना इसरो का लक्ष्य है। इस मिशन के लॉन्च होने के 3 दिन बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लैंड कराया जाएगा। इन सब कवायदों से पहले कई स्तर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस मिशन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए वह टेस्ट फ्लाइट कर रहा है। इसरो को यह दिखाना था कि इंसानों को ले जाने वाला कैप्सूल सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लौट सकता है। वह 5 स्तर पर इस मिशन को प्लान कर रही है, जिसमें कई बार एजेंसी टेस्टिंग फेज में काम करेगी। सबसे पहले कई सारे ड्रॉप टेस्ट किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि हवा जमीन पर कैप्सूल गिरने से क्या कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। इसके बाद टेस्ट व्हीकल मिशन को प्लान किया गया। आज इसकी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक किया गया। इसके अलावा पैड ऑबो टेस्ट और मनोरहित उड़ान भेजे जाएंगे। इन टेस्ट फ्लाइट की सफलता के बाद अंतिम चरण में इंसानों को LV Mark III रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यान में सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल बनाए जाएंगे जो मिशन के दौरान अलग अलग जरूरतों को पूरा करेंगे। इसरो ने जानकारी दी, अंतरिक्ष यात्रियों को इस मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है।